नंबर वन, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। देखो खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर टी कौन है, खाद्य और कृषि संगठन बा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, तो ऑप्शन बी है राइट आंसर रोम रे, एफएओ हेडक्वार्टरटा रोम रे अवस्थित, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर टू, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ब्रसेल्स। तो राइट आंसर टी कौन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बा नाटो रो हेडक्वार्टर बा मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर ब्रसेल्स रे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर थ्री, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। विश्व पाणीपाग संगठन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर टी कौन है, विश्व पाणीपाग संगठन बा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर जेनेवारे, डब्ल्यूएम मुख्यालय जेनेवारे अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर फोर, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। विश्व वाणिज्य संगठन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंडन, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर टी कौन है, विश्व वाणिज्य संगठन बा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर जेनेवा, जेनेवा रे डब्ल्यूटीओ रो हेडक्वार्टरटा अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर फाइव, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए लंडन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो राइट आंसर टी कौन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन बी है राइट आंसर जेनेवारे अवस्थित, डब्ल्यूएच रो मुख्यालय जेनेवारे अवस्थित, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर सिक्स, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लोकेटेड। देखो पेट्रोलियम रप्तानिकारी राष्ट्र संगठन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी वियना। तो राइट आंसर टी कौन है, पेट्रोलियम रप्तानिकारी राष्ट्र संगठन बा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हेडक्वार्टरटा केउठारे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर वियना, ए वियना ठारे ओपीएससी हेडक्वार्टरटा अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर सेवेन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन आईएमएफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक अंतर्जातीय संगठन आईएमएफ नामर संपूर्ण रूपटा कौन, ऑप्शन ए इंटरनेशनल मैनेजमेंट फंड, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मार्जिनल फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मनी फंड, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो राइट आंसर टी कौन है, एक अंतर्जातीय संगठन आईएमएफ नामर संपूर्ण रूपटा कौन समस्ते जानते, आईएमएफ रो अर्थ होची इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर एट, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। देखो अंतर्जातीय श्रम संगठन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जेनेवा। तो राइट आंसर टी कौन है, अंतर्जातीय श्रम संगठन बा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर जेनेवा, ए जेनेवा ठारे आईएलओ रो मुख्यालय अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर नाइन, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। देखो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बा यूनेस्को रा मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर टी कौन है, यूनेस्को रा मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित ना पेरिस ठारे अवस्थित, ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर टेन, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड। देखो जातिसंघ परिवेश कार्यक्रम मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंडन, ऑप्शन डी नैरोबी। तो राइट आंसर टी कौन है, जातिसंघ परिवेश कार्यक्रम बा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर नैरोबी रे अवस्थित। तो यूएनईपी रो हेडक्वार्टरटा नैरोबी रे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर इलेवेन, व्वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लोकेटेड। देखो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मुख्यालय
କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜେନେଭା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ୟାରିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବା ITU ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜେନେଭାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 12, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟୋମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲଣ୍ଡନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପ୍ୟାରିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭିଏନା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ବା ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଟୋମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଭିଏନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ IAEA ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଭିଏନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲଣ୍ଡନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ୟାରିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁୟର୍କ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ IMF ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 14, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ହାଇ କମିଶନର୍ ଫର୍ ରେଫ୍ୟୁଜିସ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତିସଂଘର ଶରଣାର୍ଥୀ ହାଇ କମିଶନର୍ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲଣ୍ଡନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ୟାରିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଏନା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜେନେଭା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଜାତିସଂଘର ଶରଣାର୍ଥୀ ହାଇ କମିଶନର୍ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ହାଇ କମିଶନର୍ ଫର୍ ରେଫ୍ୟୁଜିସ୍ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜେନେଭାରେ। ଏ ଜେନେଭାରେ UNHCR ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 15, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହନଇ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରୋମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମନିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ବା ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରୋମ୍ରେ। ଏଇ IFAD ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ରୋମ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 16, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଅନ୍ହେବିଟାଟ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ହେବିଟାଟ୍ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବର୍ଲିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନୈରୋବି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଭିଏନା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୋନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ହେବିଟାଟ୍ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନୈରୋବିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 17, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡ ଲୋକେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଷ୍ଟକହୋମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜେନେଭା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନ୍ୟୁୟର୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ UNFPA ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 18, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକେଟେଡ୍। ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନେପାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଫିଲିପିନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚାଇନା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫିଲିପିନ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 19, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନାଗୁରେଟେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 20, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦୁବାଇ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଏନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜେନେଭା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ବା ICCର ମୁଖ୍ୟାଳୟଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ICCର ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନମ୍ବର 21, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ନେଚର୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ନେଚର୍ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭିଏନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜେନେଭା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନ୍ୟୁୟର୍କ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ନେଚର୍ ବା WWF ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
नंबर 22 द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री विश्व अर्थनैतिक फोरम बा WEF रो मुख्यालय केउ देश रे अवस्थित ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड ऑप्शन बी चाइना ऑप्शन सी इंग्लैंड ऑप्शन डी इंडिया तो राइट आंसर टी कोन हेबो विश्व अर्थनैतिक फोरम बा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो मुख्यालय केउ ठारे अवस्थित ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर स्विट्जरलैंड रे अवस्थित ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर 23 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड देखंतु विश्व खाद्य कार्यक्रम रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए वियना ऑप्शन बी न्यूयॉर्क ऑप्शन सी जेनेवा ऑप्शन डी रोम तो राइट आंसर टी कोन हेबो विश्व खाद्य कार्यक्रम बा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर रोम रे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर 24 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन लोकेटेड देखंतु कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए न्यू दिल्ली ऑप्शन बी कराची ऑप्शन सी लंडन ऑप्शन डी नैरोबी तो राइट आंसर टी कोन हेबो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर लंडन रे अवस्थित ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर नंबर 25 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड देखंतु अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए न्यूयॉर्क ऑप्शन बी जेनेवा ऑप्शन सी वियना ऑप्शन डी हेग तो राइट आंसर टी कोन हेबो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत बा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर हेग रे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर 26 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड लोकेटेड देखंतु मिलित जातिसंघ अंतर्राष्ट्रीय शिशु जरूरी कालीन पांठि बा यूनिसेफ रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए ग्लांड ऑप्शन बी न्यूयॉर्क ऑप्शन सी वियना ऑप्शन डी जेनेवा तो राइट आंसर टी कोन हेबो यूनिसेफ रो मुख्यालय न्यूयॉर्क रे अवस्थित तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर 27 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड देखंतु विश्व बैंक रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी ऑप्शन बी वियना ऑप्शन सी लंडन ऑप्शन डी न्यूयॉर्क तो राइट आंसर टी कोन हेबो विश्व बैंक बा वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर टा केउठारे अवस्थित समस्त जानिछंती वाशिंगटन डीसी रे अवस्थित ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर 28 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड देखंतु व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध चुक्ति संगठन रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए बोन ऑप्शन बी पेरिस ऑप्शन सी लंडन ऑप्शन डी वियना तो राइट आंसर टी कोन हेबो व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध चुक्ति संगठन बा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर वियना रे अवस्थित तो CTBTO रो मुख्यालय टा वियना रे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर 29 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव लोकेटेड देखंतु कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव बा CHRI रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन ए सिडनी ऑप्शन बी लंडन ऑप्शन सी न्यूयॉर्क ऑप्शन डी न्यू दिल्ली तो राइट आंसर टी कोन हेबो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव बा CHRI रो मुख्यालय टा केउठारे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर न्यू दिल्ली रे अवस्थित ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर 30 हु पब्लिशेस द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट देखंतु विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्टटा के प्रकाश करे ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी UNDP ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो राइट आंसर टी कोन हेबो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट बा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्टटा के प्रकाश करे तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर 31 हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस फूड प्राइस इंडेक्स देखंतु निम्नलिखित मध्यरु किए खाद्य मूल्य सूचकांक प्रकाश करंती ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑप्शन डी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो राइट आंसर टी कोन हेबो निम्नलिखित मध्यरु किए खाद्य मूल्य सूचकांक बा फूड प्राइस इंडेक्सटा प्रकाश करंती तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर 32 Which of the following international organizations adopted the Indigenous and Tribal Peoples Convention? देखंतु
निम्नलिखित मध्यरु केउ अंतरजातीय संगठन आदिवासी एवं जनजाति लोक सम्मेलनी को ग्रहण करथिले? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउ अंतरजातीय संगठन आदिवासी एवं जनजाति लोक सम्मेलनी को ग्रहण करथिले? तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 33, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट इज अ टर्म एडॉप्टेड बाय डेक्स। देखंतु एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट कहा द्वारा ग्रहण करा जायतिबा एक टर्म। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट इज अ टर्म एडॉप्टेड बाय डेक्स। तो राइट आंसर टी हेबो ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 34, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। ओडिशा रो केउ जिल्ला रे केंद्रीय धान गवेषणा प्रतिष्ठान अवस्थित? ऑप्शन ए खोर्धा, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी कोरापुट। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, ओडिशा रो केउ जिल्ला रे केंद्रीय धान गवेषणा प्रतिष्ठान बा द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट टा अवस्थित? तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर, कटक ठारे अवस्थित, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 35, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ डेक्स। देखंतु विश्व निरंतर विकास शिखर सम्मेलनी हेउची कहार प्रमुख कार्यक्रम? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी द एजेंसी फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, विश्व निरंतर विकास शिखर सम्मेलनी बा द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहार प्रमुख कार्यक्रम? तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट रो कार्यक्रम, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआईआईबी, ए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। देखंतु एक बहुपक्षीय विकास बैंक एआईआईबी रो संपूर्ण रूपटा कोन? ऑप्शन ए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बैंक, ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बैंक। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, एक बहुपक्षीय विकास बैंक एआईआईबी रो संपूर्ण रूप बा फुल फॉर्म टा कोन? तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड पिंक सिटी इन इंडिया। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउं शहर को भारतर पिंक सिटी मध्य कहा जाय? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउं शहर को भारतर पिंक सिटी मध्य कहा जाय? तो समस्ते जानिछंती ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर, जयपुर। ए जयपुर को भारतर पिंक सिटी मध्य कहा जाय, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 38, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल हेलिंग कमिशन इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ डेक्स। देखंतु अंतरजातीय हेलिंग कमिशन रो मुख्यालय केउं शहर निकटरे अवस्थित? ऑप्शन ए हेग, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज, ऑप्शन डी जेनेवा। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, इंटरनेशनल हेलिंग कमिशन रो मुख्यालय टा केउं शहर निकटरे अवस्थित? तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर, कैम्ब्रिज निकटरे अवस्थित, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ अर्जेंटीना। निम्नलिखित मध्यरु केउटी अर्जेंटीनार राजधानी एवं सर्वाधिक जनबहुल शहर? ऑप्शन ए बोट्सवाना, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी बुएनोस आयरेस, ऑप्शन डी बाहरीन। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउटी अर्जेंटीनार राजधानी एवं सर्वाधिक जनबहुल शहर? तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी बुएनोस आयरेस। बुएनोस आयरेस इज द कैपिटल एंड द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ अर्जेंटीना, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 40, द कैपिटल सिटी ऑफ कोस्टारिका इज डेस। देखंतु कोस्टारिकार राजधानीटा केउटी? ऑप्शन ए सान डिएगो, ऑप्शन बी सान साल्वाडोर, ऑप्शन सी सान फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी सान जोस। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, कोस्टारिकार राजधानीटा केउटी? तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर, सान जोस। सान जोस हेउची कोस्टारिकार राजधानी, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 41, ओटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखंतु ओटावा निम्नलिखित मध्यरु केउ देशर राजधानी अटे? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी जमैका। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, ओटावा निम्नलिखित मध्यरु केउ देशर राजधानी अटे? तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर, कनाडा। ए कनाडा देशर राजधानी होची ओटावा, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ ओडिशा इज रिगार्डेड एज टेंपल सिटी ऑफ इंडिया।
ओडिशार निम्नलिखित मध्यरु केउ शहरकु भारतर मंदिर शहर भावरे विवेचना करा जाय? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी भद्रक, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी पुरी। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, ओडिशार निम्नलिखित मध्यरु केउ शहरकु भारतर मंदिर शहर बा टेम्पल सिटी अफ इंडिया भावरे विवेचना करा जाय। तो समस्ते जानिछंती भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी अफ इंडिया कहा जाय, तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ शहर भारतर हीरा शहर भाबरे परिचित? ऑप्शन ए कोयंबटूर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी सूरत। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउ शहर भारतर हीरा शहर बा डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भाबरे परिचित? तो राइट आंसर टी हेबो ऑप्शन डी सूरत। ए सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाय, तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 44, द करेन्सी ऑफ वैटिकन सिटी इज डैश। देखते वैटिकन शहर मुद्रा केउटी? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी स्टर्लिंग। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, द करेन्सी ऑफ वैटिकन सिटी इज यूरो, तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ऑल्सो नोन एज सुगर सिटी ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु केउ स्थान ओडिशार चीनी शहर भाबरे मध्य परिचित? ऑप्शन ए बरगढ़, ऑप्शन बी आस्का, ऑप्शन सी बडम्बा, ऑप्शन डी रायगढ़। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउ स्थान ओडिशार चीनी शहर बा सुगर सिटी ऑफ ओडिशा भाबरे मध्य परिचित? तो एहा मध्य समस्ते जानिथिबे जे आस्का को सुगर सिटी ऑफ ओडिशा कहा जाय, तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 46, व्हिच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। केउ शहर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया नामरे परिचित? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, केउ शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोली कहा जाय, तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर अहमदाबाद। ए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोली मध्य कहा जाय, तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 47, काजाकस्तान इज ए कंट्री लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स। देखंतु काजाकस्तान निम्नलिखित केउ महादेश रे अवस्थित एक देश अटे? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी आफ्रिका। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, काजाकस्तान निम्नलिखित केउ महादेश रे अवस्थित एक देश अटे, तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर एशियार गोटे देश अटे, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 48, व्हेयर इज अरब गल्फ कंट्रीज फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट बीइंग डेवलप्ड। देखंतु अरब उपसागरीय देशर प्रथम कोयला भित्तिक पावर प्लांट केउठी विकसित हेउची? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी लाहौर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, अरब उपसागरीय देशर प्रथम कोयला भित्तिक पावर प्लांट केउठी विकसित हेउची? ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर दुबई रे विकसित हेउची, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 49, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री। देखंतु प्रथम उपग्रह केउ देश द्वारा उत्क्षेपण करा जायथिला? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, प्रथम उपग्रह बा फर्स्ट सैटेलाइट केउ देश द्वारा उत्क्षेपण करा जायथिला? तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर यूएसएसआर, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 50, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ देश सहित तवांग निकटरे भारतर जमी विवाद अछि? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउ देश सहित तवांग निकटरे भारतर जमी विवाद अछि? तो समस्त जानिथिबे चाइना, तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन साउथ कोरिया। निम्नलिखित मध्यरु केउ मोबाइल उत्पादनकारी कंपनीर मुख्य कार्यालय दक्षिण कोरिया रे रहिछि? ऑप्शन ए माइक्रोमैक्स, ऑप्शन बी मोटोरोला, ऑप्शन सी वीवो, ऑप्शन डी सैमसंग। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, निम्नलिखित मध्यरु केउ मोबाइल उत्पादनकारी कंपनीर मुख्य कार्यालयटा दक्षिण कोरिया रे रहिछि? तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर सैमसंग। ए सैमसंग रो हेडक्वार्टरटा दक्षिण कोरिया रे रहिछि, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 52, S2H स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखंतु S2H महाकाश पर्यवेक्षण उपग्रह विश्वर निम्नलिखित केउ महाकाश संस्था द्वारा उत्क्षेपण करा जायछि? ऑप्शन ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, एस्ट्रोएच महाकाश पर्यवेक्षण उपग्रह विश्वर निम्नलिखित केउ महाकाश संस्था द्वारा
उत्क्षेपण कराई ऑप्शन बी हेबर राइट आंसर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा यह उत्क्षेपण कराई ऑप्शन बी हेबर राइट आंसर नंबर 53 हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 निम्नलिखित राजनैतिक नेता मानंक मध्यरु किए 1905 मसीह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन प्रतिष्ठा करथिले ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी लाला लजपत राय ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले तो राइट आंसर टी कौन हेबो निम्नलिखित राजनैतिक नेता मानंक मध्यरु किए 1905 मसीह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन प्रतिष्ठा करथिले तो राइट आंसर टी ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले प्रतिष्ठा करथिले ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर नंबर 54 प्रोजेक्ट टाइगर वाच लॉन्च इन 1973 विथ द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट टाइगर 1973 निम्नलिखित क्यों संस्था सहायतारे भारत में आरंभ करा जायतिला ऑप्शन ए यूनेस्को ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ऑप्शन डी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ तो राइट आंसर टी कौन हेबो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 निम्नलिखित क्यों संस्था सहायतारे भारत में आरंभ करा जायतिला तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को सहायतारे ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर 55 फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अ प्रीमियर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक प्रमुख जंगलर अनुष्ठान भारतर निम्नलिखित मध्यरु क्यों शहर रे अवस्थित ऑप्शन ए शिमला ऑप्शन बी देहरादून ऑप्शन सी भोपाल ऑप्शन डी मैसूर तो राइट आंसर टी कौन हेबो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक प्रमुख जंगलर अनुष्ठान यह भारतर देहरादून ठारे अवस्थित ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर 55 हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द साथी पोर्टल निम्नलिखित मध्यरे किए साथी पोर्टल विकसित करथिले ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्शन सी नीति आयोग ऑप्शन डी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन तो राइट आंसर टी कौन हेबो निम्नलिखित मध्यरे किए साथी पोर्टल विकसित करथिले तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा ए साथी पोर्टलटा विकसित होइथिला तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट इन नवंबर 2021 टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन ओडिशा देखंतु ओडिशा रे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग शिल्प को प्रोत्साहित करने 2021 नवंबर रे राज्य कैबिनेट निम्नलिखित मध्यरु क्यों नीति को अनुमोदन करथिला ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक सिटी पॉलिसी 2022 ऑप्शन बी ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2021 ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 ऑप्शन डी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2021 तो राइट आंसर टी कौन हेबो राइट आंसर टी ऑप्शन बी ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2021 ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नंबर 58 आज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज व्हिच सिटी ऑफ इंडिया विल गेट कंट्रीज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन देखंतु रेल मंत्रणालय अनुजाई भारतर क्यों शहर को मिलिबो देशर प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन ऑप्शन ए मुंबई ऑप्शन बी अहमदाबाद ऑप्शन सी सूरत ऑप्शन डी बरोदा तो राइट आंसर टी कौन हेबो रेल मंत्रणालय अनुजाई भारतर क्यों शहर को मिलिबो देशर प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी सूरत को मिलिबो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर नंबर 59 व्हिच सिटी गवर्नमेंट हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस देखंतु क्यों शहर सरकार संपूर्ण कागज विहीन होबारे विश्वर प्रथम सरकार हे पारिछंती ऑप्शन ए दुबई ऑप्शन बी बेजिंग ऑप्शन सी मॉस्को ऑप्शन डी न्यूयॉर्क तो राइट आंसर टी कौन हेबो क्यों शहर सरकार संपूर्ण कार्यविहीन होबारे विश्वर प्रथम सरकार हे पारिछंती तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर दुबई ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नंबर 60 Which city is most polluted city in the world according to US Air Quality Index released on December 1st, 2020? December 1, 2020 प्रकाशित US Air Quality Index अनुजाई विश्वर केउं शहर सबुठारु अधिक प्रदूषित शहर ऑप्शन ए दुबई ऑप्शन बी US ऑप्शन सी लाहौर ऑप्शन डी ईरान तो राइट आंसर टी कौन हेबो December 1, 2020 प्रकाशित US Air Quality Index अनुजाई विश्वर केउं शहर सबुठारु अधिक प्रदूषित शहर तो राइट आंसर टी ऑप्शन सी लाहौर लाहौर हेउची सबुठारु अधिक प्रदूषित शहर ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर नंबर 61 In which city of Maharashtra was the first child-friendly police station inaugurated in December 2020? Maharashtra केउ शहर रे December 2020 रे प्रथम शिशु अनुकूल पुलिस स्टेशन उद्घाटित होइथिला ऑप्शन ए सोलापुर ऑप्शन बी नासिक ऑप्शन सी
पुणे ऑप्शन डी नागपुर। तो राइट आंसर टी कौन है महाराष्ट्र क्यों सहर रे डिसेंबर 2020 रे प्रथम शिशु अनुकूल पुलिस स्टेशन टा उद्घाटित होता। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर पुणे ठारे ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 62 व्हिच कंट्री इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। देखो क्यों देश विश्वर प्रथम बिटकॉइन सिटी निर्माण करने को योजना करुच्ची। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी एल साल्वाडोर, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर टी कौन है क्यों देश विश्वर प्रथम बिटकॉइन सिटी निर्माण करने को योजना करुच्ची। तो राइट आंसर टी ऑप्शन बी एल साल्वाडोर। ए एल साल्वाडोर देशटा विश्वर प्रथम बिटकॉइन सिटी निर्माण करने को योजना करुच्ची। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 63 द फर्स्ट बायनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2018 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी। देखो प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलनी 2018 क्यों सहर में अनुष्ठित होता। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर टी कौन है प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलनी 2018 क्यों सहर में अनुष्ठित होता। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर न्यू दिल्ली में अनुष्ठित होता। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 64 व्हिच स्टेट हैज स्टॉप्ड अंडर यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी इन द थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देखो नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रो तृतीय संस्करण रे क्यों राज्य केन्द्र शासित अंचल एवं सहर राज्य वर्ग रे शीर्ष रे अछि। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन डी लद्दाख। तो राइट आंसर टी कोन हेबो राइट आंसर टी ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 65 Which of the following countries is a member of the South Asian Association of Regional Corporation or SARC? देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ देश दक्षिण एशियो आंचलिक सहयोग संघ बा SARC रो गोटे सदस्य अटंती। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो राइट आंसर टी कोन हेबो SARC रो गोटे सदस्य किए। तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर अफगानिस्तान। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 66 हु एमंग द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ G7। निम्नलिखित मध्य किए G7 रो सदस्य अटंती। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी रूसिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ओमन। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित मध्य किए G7 रो गोटे सदस्य अटंती। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर कनाडा। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 67 व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ देश मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषदर गोटे स्थायी सदस्य अटंती। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित मध्यरु केउ देश मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषदर गोटे स्थायी सदस्य अटंती। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर फ्रांस। ए फ्रांसटा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गोटे परमानेंट मेंबर। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 69 व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंट एज द 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। निम्नलिखित मध्यरु केउ देश मिलित जातिसंघर 193तम सदस्य भावरे जोग दैथिले। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी साउथ सुदान, ऑप्शन सी पालेस्टीन, ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। तो राइट आंसर टी कोन हेबो निम्नलिखित मध्यरु केउ देश मिलित जातिसंघर 193तम सदस्य भावरे जोग दैथिले। तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर साउथ सुदान। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 70 Where is the zonal headquarters of Central Railway located? देखंतु केंद्रीय रेलपथर जोनाल मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी जबलपुर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो केंद्रीय रेलपथर जोनाल मुख्यालय केउठारे अवस्थित मुंबई रे अवस्थित। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 71 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इंडेक्स। देखंतु भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन हेउची भारतर जातीय महाकाश एजेंसी जहार मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी कोलकाता। तो राइट आंसर टी कोन हेबो समस्ते जानिछंती जे इसरो रो हेडक्वार्टर टा बेंगलुरु ठारे अवस्थित। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 72 द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखंतु पूर्व रेलवे जोन रो मुख्यालय निम्नलिखित मध्यरु केउ सहर रे अवस्थित। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी गैंगटक, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो पूर्व रेलवे जोन रो मुख्यालय निम्नलिखित मध्यरु केउ सहर रे अवस्थित। तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर कोलकाता रे अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 73 व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। देखंतु एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर टी कोन हेबो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर मुंबई रे अवस्थित। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 74
ह्यूमन राइट्स वॉच इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन डेक्स। देखंतु ह्यूमन राइट्स वॉच हेउची एक अंतरजातीय बेसरकारी अनुष्ठान जहार मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंडन। तो राइट आंसर कौन है, ह्यूमन राइट्स वॉच हेउची गोटे अंतरजातीय बेसरकारी अनुष्ठान जहार मुख्यालय केउठारे अवस्थित, न्यूयॉर्क रे अवस्थित। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 75, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। देखो विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन बा विपोर मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी मेलबोर्न। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, देखो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर केउठारे अवस्थित, जेनेवारे अवस्थित। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 76, तो हेडक्वार्टर्स ऑफ द गदर पार्टी वाज डेक्स। देखंतु गदर पार्टी रो मुख्यालय केउठारे थिला। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंडन, ऑप्शन सी वैंकूवर, ऑप्शन डी सान फ्रांसिस्को। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, गदर पार्टी रो हेडक्वार्टर टा सान फ्रांसिस्को रे थिला। तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 77, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। देखंतु भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठनर मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पुणे। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन बा डीआरडीओ रो हेडक्वार्टर टा केउठारे अवस्थित। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर, न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 78, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकेटेड। देखंतु पेंशन पांठि नियामक और उन्नयन कर्तृपक्ष बा पीएफआरडीए रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रो हेडक्वार्टर बा मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर, न्यू दिल्ली रे अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 79, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। देखंतु एशिया उन्नयन बैंक रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी बेजिंग चाइना, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली इंडिया, ऑप्शन डी मनीला फिलीपींस। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, एशिया उन्नयन बैंक बा एशियन डेवलपमेंट बैंक रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित, मनीला ठारे अवस्थित। ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 80, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल लोकेटेड। देखंतु जातिसंघ मानवाधिकार परिषद रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी भिएना, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी बर्लिन। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, जातिसंघ मानवाधिकार परिषद बा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित, जेनेवारे अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 81, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिशन लोकेटेड। देखंतु केंद्रीय विजिलेंस आयोग रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, केंद्रीय विजिलेंस आयोग रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित, न्यू दिल्ली रे अवस्थित। ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 82, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड लोकेटेड। देखंतु नाबार्ड रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, नाबार्ड रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित, समस्ते जानिछंती जे नाबार्ड रो मुख्यालय मुंबई रे अवस्थित। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 83, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ अमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड। देखंतु अमनेस्टी इंटरनेशनल रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए लंडन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, अमनेस्टी इंटरनेशनल रो मुख्यालय बा हेडक्वार्टरटा केउठारे अवस्थित, ना लंडन रे अवस्थित। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 84, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। देखंतु भारतीय रिजर्व बैंक रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बा आरबीआई रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित, समस्ते जानिछंती जे आरबीआई रो मुख्यालयटा मुंबई रे अवस्थित। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 85, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स लोकेटेड। देखंतु रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन बा ओपीसीडब्ल्यू रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित। ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन डी द हेग नेदरलैंड्स। तो राइट आंसर टी कोन हेबो, रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन बा ओपीसीडब्ल्यू रो मुख्यालयटा केउठारे अवस्थित, द हेग ठारे अवस्थित। तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 86,
व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड। देखो भारतीय जातीय मानवाधिकार आयोग मुख्यालय क्योंठे अवस्थित, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राइट आंसर टी कौन है, भारतीय जातीय मानवाधिकार आयोग मुख्यालय क्योंठे अवस्थित, न्यू दिल्ली में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 87, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी लोकेटेड। देखो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बा सेबी रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर टी कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बा सेबी रो हेडक्वार्टरटा मुंबई रे अवस्थित, तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 88, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डेक्स। देखो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्यालय क्योंठारे अवस्थित, ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी थिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी कोट्टयम। तो राइट आंसर टी कौन है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्यालय बा हेडक्वार्टरटा क्योंठारे अवस्थित, कोट्टयम रे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 89, गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे जोन। देखो गोरखपुर निम्नलिखित क्यों भारतीय रेल जोन रो मुख्यालय अटे, ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी वेस्टर्न रेलवे, ऑप्शन डी सदर्न रेलवे। तो राइट आंसर टी कौन है, गोरखपुर निम्नलिखित क्यों भारतीय रेल जोन रो मुख्यालय अटे। तो राइट आंसर टी ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन रो मुख्यालय अटे, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 90, व्हेयर इज द जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लोकेटेड। देखो उत्तर पूर्व सीमांत रेलपथर जोनल मुख्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी शिलंग, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी गैंगटॉक। तो राइट आंसर टी कौन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलपथर जोनल मुख्यालय केउठारे अवस्थित, तो गुवाहाटी में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 91, इंटरनेशनल सोलार अलायंस इज हेडक्वार्टर्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो आंतर्जातिक सौर मेंटर मुख्यालय निम्नलिखित मध्य क्यों देश में अवस्थित, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इंडिया। तो राइट आंसर टी कौन है, आंतर्जातिक सौर मेंट बा इंटरनेशनल सोलार अलायंस रो हेडक्वार्टरटा केउठारे अवस्थित, समस्त जानिछन्ते जे इंडिया बा भारत रे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 92, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO स्टैंड्स फॉर डेक्स। देखो एक अंतर्जातीय संगठन WTO रो अर्थ कौन, ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर टी कौन है, WTO स्टैंड्स फॉर डेक्स। WTO रो अर्थ कौन, समस्ते जानिछन्ति जे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेउची WTO रो संपूर्ण नाम, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 93, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022। क्यों अंतर्जातीय संस्था निकटने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2022 प्रकाश होई, ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो राइट आंसर टी कौन है, क्यों अंतर्जातीय संस्था निकटने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2022 बा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022 टा प्रकाश होई, तो ऑप्शन सी है राइट आंसर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 94, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO, ए यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। देखो मिलित जातिसंघर स्वतंत्र एजेंसी FAO रो संपूर्ण रूपटा कौन, ऑप्शन ए फेडरल आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फिनलैंड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी फेडरल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर टी कौन है, FAO रो फुल फॉर्मटा कौन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 95, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो निम्नलिखित मध्य क्यों संस्था मानव विकास रिपोर्ट प्रकाश करे, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स एमरजेंसी फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्य क्यों संस्था मानव विकास रिपोर्ट बा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्टा प्रकाश करिथांती, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 96,
इन विच योर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमिशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। देखो फजल अली अध्यक्षत केन्द्र सरकार के वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग निजुक्त करते ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1973। तो राइट आंसर टी कौन है, फजल अली अध्यक्षत केन्द्र सरकार क्यों वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग निजुक्त करते, तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर 1953, ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 97, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ट्वाइस ए ईयर। देखो निम्नलिखित मध्य क्यों संस्था वर्षक दुई थर विश्व अर्थनैतिक दृष्टिकोण रिपोर्टा प्रकाश करती, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्य क्यों संस्था वर्षक दुई थर विश्व अर्थनैतिक दृष्टिकोण रिपोर्ट बा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्टा प्रकाश करती, तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 98, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर डेक्स। देखंतु विश्व वाणिज्य संगठन क्यों वर्ष रे स्थापित होइतिला, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1993। तो राइट आंसर टी कौन है, विश्व वाणिज्य संगठन बा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टा क्यों वर्ष रे स्थापित होइतिला, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर 1995 रे स्थापित होइतिला, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 99, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो क्यों संस्था विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाश करे, ऑप्शन ए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो राइट आंसर टी कौन है, क्यों संस्था विश्व विकास रिपोर्ट बा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा प्रकाश करे, तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 100, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ खारवेल। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी खारवेलर राजधानी थिला, ऑप्शन ए सिंहापुर, ऑप्शन बी कलिंग नगरी, ऑप्शन सी कोंगड़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिज। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्यरु केउटी खारवेलर राजधानी थिला, समस्ते जानिछंती जे खारवेलर राजधानी थिला कलिंग नगरी, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 101, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गैंगटॉक, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी काभार्ती। तो राइट आंसर टी कौन है, सिक्किम रो राजधानी होउची गैंगटॉक, तो ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 102, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। देखंतु पंजाब रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लुधियाना। तो राइट आंसर टी कौन है, समस्ते जानिछंती जे पंजाब रो राजधानी होउची चंडीगढ़, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 103, व्हिच इज द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटक। देखंतु कर्नाटक रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मैंगलोर, ऑप्शन डी हुबली। तो राइट आंसर टी कौन है, कर्नाटक रो राजधानी केउटी, कर्नाटक रो राजधानी होउची बेंगलुरु, ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 104, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा रो राजधानी कौन, ऑप्शन ए मापुसा, ऑप्शन बी पोंडा, ऑप्शन सी मोरमुगाव, ऑप्शन डी पानाजी। तो राइट आंसर टी कौन है, गोवा रो राजधानी होउची पानाजी, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 105, व्हिच सिटी इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देखंतु केउं शहर भारत रो आर्थिक राजधानी भावरे जणासुणा, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर टी कौन है, क्यों शहर भारत आर्थिक राजधानी बा फाइनेंशियल कैपिटल भाव में जनाशुना, तो समस्ते जानते भारत फाइनेंशियल कैपिटल होउची मुंबई, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 106, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ डेक्स स्टेट। देखो इम्फाल क्यों राज्यर राजधानी अटे, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो राइट आंसर टी कौन है, इम्फाल क्यों राज्यर राजधानी अटे, आम जानी जे मणिपुर राजधानी होउची इम्फाल, तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित जिला मध्यरु क्यों जिला को भारत चिंगुड़ी राजधानी बोली कहा जाए, ऑप्शन ए नेल्लोर, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित जिला मध्यरु क्यों जिला को भारत चिंगुड़ी राजधानी बा श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया बोली कहा जाए, तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर नेल्लोर को कहा जाए, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 108, अमरावती इज द कैपिटल ऑफ डेक्स स्टेट। देखंतु अमरावती क्यों राज्यर राजधानी अटे, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो राइट आंसर टी कौन है, अमरावती क्यों राज्यर राजधानी अटे, आम जानी जे अमरावती होउची आंध्र प्रदेश राजधानी, तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर।
नंबर 109 डेक्स इज द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो तो हिमाचल प्रदेश रो शीतकालीन राजधानी केउटी, ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी मनाली, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी चंबा। तो राइट आंसर टी कोन हेबो हिमाचल प्रदेश रो शीतकालीन राजधानी बा विंटर कैपिटल टा केउटी, तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर धर्मशाला। ए धर्मशाला टा हेउची हिमाचल प्रदेश रो शीतकालीन राजधानी, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 110 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। देखंतु राजस्थान रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो राजस्थान रो राजधानी हेउची जयपुर, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 111 पानाजी इज द कैपिटल ऑफ डेक्स स्टेट। देखंतु पानाजी केउ राज्य रो राजधानी अटे, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर टी कोन हेबो पानाजी केउ राज्य रो राजधानी अटे गोवा रो राजधानी अटे, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 112 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गैंगटक, ऑप्शन सी अगरतला, ऑप्शन डी कोहिमा। तो राइट आंसर टी कोन हेबो त्रिपुरा रो राजधानी केउटी, तो त्रिपुरा रो राजधानी हेउची अगरतला, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 113 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। देखंतु झारखंड रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो झारखंड रो राजधानी हेउची रांची, तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 114 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। देखंतु मिजोरम रो राजधानी कोन, ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी गैंगटक, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी आइजोल। तो राइट आंसर टी कोन हेबो मिजोरम रो राजधानी हेउची आइजोल, तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 115 व्हिच इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम रो राजधानी केउटी, ऑप्शन ए धुबरी, ऑप्शन बी शिलंग, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी सिलचर। तो राइट आंसर टी कोन हेबो आमे समस्त जानिछे जे आसाम रो राजधानी हेउची दिसपुर, तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 116 काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देखंतु काकरापुर परमाणु शक्ति केंद्र केउ राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर टी कोन हेबो काकरापुर परमाणु शक्ति केंद्र बा काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टा केउ राज्य रे अवस्थित, ना गुजरात रे अवस्थित, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 117 दुर्गापुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखंतु दुर्गापुर इस्पात कारखाना केउ राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर टी कोन हेबो दुर्गापुर इस्पात कारखाना बा दुर्गापुर स्टील प्लांट केउठारे अवस्थित, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर वेस्ट बंगाल रे अवस्थित, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 118 द कुद्रेमुख आयन ओर माइन लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देखंतु कुद्रेमुख लुहापथर खणी केउ राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरला। तो राइट आंसर टी कोन हेबो कुद्रेमुख लुहापथर खणी केउ राज्य रे अवस्थित, ना कर्नाटक राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 119 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोल माइंस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित मध्यरु केउ कोइला खणी छत्तीसगढ़ राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन ए सिंगारानी कोल माइंस, ऑप्शन बी बोकारो कोल माइंस, ऑप्शन सी कोरबा कोल माइंस, ऑप्शन डी तालचेर कोल माइंस। तो राइट आंसर टी कोन हेबो निम्नलिखित मध्यरु केउ कोइला खणी छत्तीसगढ़ राज्य रे अवस्थित, तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर कोरबा कोल माइंस, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 120 खेत्री कॉपर माइन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखंतु खेत्री तंबा खणी केउ राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर टी कोन हेबो खेत्री तंबा खणी केउ राज्य रे अवस्थित, राजस्थान रे अवस्थित, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 121 बेलारी आयन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखंतु बेलारी लोहापथर भंडार केउं राज्य रे अवस्थित, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर टी कोन हेबो बेलारी लोहापथर भंडार केउं राज्य रे अवस्थित, ना कर्नाटक रे अवस्थित, ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 122 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इज लोकेटेड इन मध्यप्रदेश। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउं व्याघ्र अभयारण्य मध्यप्रदेश रे अवस्थित, ऑप्शन ए पेरिया टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ना ऑप्शन डी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर टी कोन हेबो निम्नलिखित मध्यरु केउं व्याघ्र अभयारण्य मध्यप्रदेश रे अवस्थित, तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 123
पॉइंट क्लाइमेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देखो पॉइंट क्लाइमेट वन्यप्राणी अभयारण्य क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर टी कौन है? पॉइंट क्लाइमेट वन्यप्राणी अभयारण्यटा क्यों राज्य में अवस्थित? ना तमिलनाडु में अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 124 द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट चार मीनार इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ऐतिहासिक स्मारकी चार मीनार निम्नलिखित क्यों शहर में अवस्थित? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर टी कौन है? चार मीनारटा निम्नलिखित क्यों शहर में अवस्थित? ना हैदराबाद में अवस्थित। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 125 अनंतपुर आयरन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स डेट। देखो अनंतपुर लोहापथर भंडारटा क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी ओडिशा। तो राइट आंसर टी कौन है? अनंतपुर लोहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित? ना आंध्र प्रदेश में अवस्थित। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 126 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित मध्य क्योंटी बंगोपसागर में अवस्थित एक सक्रिय आग्नेयगिरी? ऑप्शन ए बारेन आइलैंड, ऑप्शन बी लिटिल आंडामान आइलैंड, ऑप्शन सी सागर आइलैंड, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो राइट आंसर टी कौन है? निम्नलिखित मध्य क्योंटी बंगोपसागर में अवस्थित एक सक्रिय आग्नेयगिरी? तो राइट आंसर टी बारेन आइलैंड। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 127 माउंट कोयाब इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। देखो माउंट कोयाब निम्नलिखित मध्य क्यों द्वीप अवस्थित? ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी नॉर्थ आंडामान, ऑप्शन सी साउथ आंडामान, ऑप्शन डी मिडिल आंडामान। तो राइट आंसर टी कौन है? माउंट कोयाब निम्नलिखित मध्य क्यों द्वीप अवस्थित? ना साउथ आंडामान अवस्थित। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 128 नागपुर मांगानीज ओर माइन्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो नागपुर मांगानीज खणी क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर टी कौन है? नागपुर मांगानीज खणीटा क्यों राज्य में अवस्थित? ना महाराष्ट्र में अवस्थित। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 129 द काठियावाड़ पेनिनसुला इज लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देखो काठियावाड़ उपद्वीप निम्नलिखित मध्य क्यों भारतीय राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर टी कौन है? काठियावाड़ उपद्वीपटा निम्नलिखित मध्य क्यों भारतीय राज्य में अवस्थित? गुजरात में अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 130 बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखो बोकारो इस्पात कारखाना क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। तो राइट आंसर टी कौन है? बोकारो इस्पात कारखाना क्यों राज्य में अवस्थित? झारखंड राज्य में अवस्थित। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 131 कोलार गोल्ड फील्ड्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कोलार सुना क्षेत्र क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर टी कौन है? कोलार गोल्ड फील्ड बा कोलार सुना क्षेत्रटा क्यों राज्य में अवस्थित? कर्नाटक में अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 132 रानी की भाव और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो रानी की भाव गोटे यूनेस्को रो विश्व ऐतिह्य स्थली अटे जहाँकि निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है? रानी की भाव गोटे यूनेस्को रो विश्व ऐतिह्य स्थली अटे जहाँकि निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित? ना गुजरात में अवस्थित। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 133 रत्नगिरी आयरन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो रत्नगिरी लोहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर टी कौन है? रत्नगिरी लोहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित? महाराष्ट्र में अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 134 आइस्को स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखो आइस्को स्टील प्लांट बा आइस्को इस्पात कारखानाटा क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर टी कौन है? आइस्को इस्पात कारखानाटा क्यों राज्य में अवस्थित? वेस्ट बंगाल में अवस्थित। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 135 सिंगारानी कोल माइन्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखो सिंगारानी कोयला खणी क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए मध्यप्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है? सिंगारानी कोयला खणीटा क्यों राज्य में अवस्थित? तेलंगाना रे अवस्थित। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 136
जेमू ग्लेसियर इज लोकेटेड इन ह्विच अफ दि फलोईंग स्टेट्स। देखो जेमू ग्लेसियरटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर टी कौन है, जेमू ग्लेसियर निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ना सिक्किम अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 137 दिगबई ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन ह्विच अफ दि फलोईंग स्टेट्स। देखो दिगबई तैल क्षेत्र निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है, दिगबई ऑयल फील्ड बा दिगबई तैल क्षेत्रटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ना आसाम रे अवस्थित, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 138 पलामू आयन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक स्टेट। देखो पलामू लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर टी कौन है, पलामू लुहापथर भंडारटा क्यों राज्य में अवस्थित, झारखंड में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 139 दांतेवाड़ा आयन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक स्टेट। देखो दांतेवाड़ा लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मेघालय। तो राइट आंसर टी कौन है, दांतेवाड़ा लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 140 कडमाट बीच ह्विच रिसेंटली रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज लोकेटेड इन ह्विच यूनियन टेरिटोरी अफ इंडिया। रिसेंटली ब्लू फ्लैग पाई कडमाट बेलाभूमि भारतर क्यों केन्द्र शासित अंचल अवस्थित, ऑप्शन ए लाक्षाद्वीप आइलैंड, ऑप्शन बी दादरा नगर हावेली एंड डामन एंड ड्यू, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबर आइलैंड, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो राइट आंसर टी कौन है, रिसेंटली ब्लू फ्लैग पाई कडमाट बेलाभूमिटा भारतर क्यों केन्द्र शासित अंचल अवस्थित, ना लाक्षाद्वीप आइलैंड अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 141 बिना ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन दि स्टेट ऑफ टेक्स। देखो बिना तैल विशोधन गार क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है, बिना तैल विशोधन गार बा बिना ऑयल रिफाइनरीटा क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर, मध्य प्रदेश में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 142 पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ह्विच अफ दि फलोईंग स्टेट्स। देखो पेरियार व्याघ्र संरक्षण अभयारण्यटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्णाटक। तो राइट आंसर टी कौन है, पेरियार व्याघ्र संरक्षण अभयारण्यटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर, केरला रे अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 143 धोलावीरा ए साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन ह्विच स्टेट। देखो सिंधु उपत्यका सभ्यतार एक स्थान धोलावीरा क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्यप्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर टी कौन है, सिंधु उपत्यका सभ्यतार एक स्थान धोलावीरा क्यों राज्य में अवस्थित, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर, गुजरात रे अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 144 बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ह्विच स्टेट। देखो बक्सा व्याघ्र अभयारण्यटा क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए वेस्ट बेंगल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी आसाम। तो राइट आंसर टी कौन है, बक्सा व्याघ्र अभयारण्यटा क्यों राज्य में अवस्थित, वेस्ट बेंगल राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 145 व्हेयर इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी लोकेटेड इन इंडिया। भारत में केंद्रीय तदंत ब्यूरो एकेडमी केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो राइट आंसर टी कौन है, भारत में केंद्रीय तदंत ब्यूरो एकेडमी बा द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमीटा केउठारे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर, गाजियाबाद रे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 146 कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन दि स्टेट ऑफ टेक्स। देखो कायगा आणविक शक्ति केन्द्र क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर टी कौन है, कायगा आणविक शक्ति केन्द्रटा क्यों राज्य में अवस्थित, कर्नाटक रे अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 147 द रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट यशवंत सागर इज लोकेटेड इन ह्विच अमंग दि फलोईंग स्टेट्स। देखो रिसेंटली घोषित रामसर साइट यशवंत सागरटा निम्नलिखित क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्यप्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है, रिसेंटली घोषित होता रामसर साइट यशवंत सागरटा निम्नलिखित क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर, मध्यप्रदेश में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 148 द हेड ऑफिस ऑफ द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डेक्स। देखो भारतीय चा बोर्डर मुख्य कार्यालय
क्योंठारे अवस्थित? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी शिलंग, ऑप्शन डी कोलकाता। तो राइट आंसर टी कौन है? भारतीय चा बोर्ड मुख्य कार्यालय क्योंठारे अवस्थित? ना ऑप्शन डी है राइट आंसर, कोलकाता अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 149 बेलाडिला आयन और माइन इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? देखो बेलाडिला लोहापथर खणीटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो राइट आंसर टी कौन है? बेलाडिला लोहापथर खणीटा निम्नलिखित क्यों राज्य में अवस्थित? तो ऑप्शन ए हे राइट आंसर, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित। ऑप्शन ए हे राइट आंसर। नंबर 150 इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? देखो इडुकी जल विद्युत प्रकल्प क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर टी कौन है? इडुकी जल विद्युत प्रकल्प क्यों राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए है राइट आंसर, केरला अवस्थित। ऑप्शन ए है राइट आंसर।